में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के साथ यौन शोषण बालिका गृह में हुआ है, वो उसके खिलाफ 26 अगस्त से मधुबनी मुजफ्फरपुर होते हुए पटना तक पैदल यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के दौरान वो जगह जगह लोगों से मिलते हुए सरकार को उखाड़ने की अपील करते हुए यात्रा को पटना के शहीद स्मारक पर आकर समाप्त करेंगे। सांसद पप्पू यादव ने पटना महिला हेल्पलाइन की काउंसलर प्रमिला कुमारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमिला कुमारी अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं, काउंसलिंग के लिए आने वाली महिलाओं और लड़कियों को फंसाने का काम करती हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 20,000 कमाने वाली मनीषा दयाल किस तरह से विदेश यात्रा करती हैं, ये भी सवालों के घेरे में है। 20 तारीख से जहां से एक नेता के पीए के सेंटर हाउस से गवाह को मार दिया गया, वहां से हम चलेंगे। नेता पदाधिकारी बलात्कारी भगाओ, महापापियों को भगाओ और बेटी और नारी बचाओ सुरक्षा के साथ मधुबनी से चलेंगे। मुजफ्फरपुर शहीद स्मारक आकर पटना के में लोगों को बताएंगे कि ये रावण का लंका महापापी लोग जब तक रहेगा, कोई सीता कोई द्रौपदी बिहार में नहीं बचेगा। इसकी पदयात्रा हमारी पार्टी ने निर्णय लिया और इनके महापाप के लंके को जलाने की तैयारी जनता को बताकर करेंगे। जनता आप इसकी लंका को न बचने दे। यही जी, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, 26 अगस्त से पैदल मार्च करेंगे पप्पू यादव, क्या लगता है कितना सफल होगा? और जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि लोगों को बताएंगे, क्या लगता है नवनीत, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है? लोगों के पास तो पूरी सच्चाई उनके सामने है, बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है। देखिए खुशबू, निश्चित तौर पे पप्पू यादव पिछले कई महीनों से लगातार मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला हो या पटना का अल्पावास गृह का मामला हो, दोनों ही मामलों को लेकर के संसद से लेकर के और जो सड़क है वहां तक बेहद मुखर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा में जिस तरह उन्होंने इस मामले को उठाया था और जिस तरह लोकसभा ने मामले को गंभीरता से लिया था, तो निश्चित तौर पे बिहार में, क्योंकि अब राजनीतिक माहौल जो है वो धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार में 2019 के चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो पप्पू यादव चूंकि छोटा दल है उनका, लेकिन किस तरह जनता में जनाधार बढ़ाना है, किस तरह पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाना है, तो ये तमाम चीजों को लेकर के पप्पू यादव पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि बेहद मुखर सांसद माने जाते हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर के काफी उग्र आंदोलन करते हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार में भी इन दोनों मामलों को लेकर के पप्पू यादव अभी भी जो बिहार के तमाम राजनीतिक दल है और जिस तरह इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों के नेताओं की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, तो ये तमाम सवाल है जिनको लेकर के पप्पू यादव लगातार सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी नेताओं की भूमिका इस मामले में संदेहास्पद है और इन तमाम पहलुओं की जांच होनी चाहिए। सरकार क्यों फाइलें गायब कर रही है जिनको लेकर के वो सरकार की ममता पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जो पटना में अल्पावास गृह चल रहा था और जिस तरह हाई प्रोफाइल मनीषा दयाल इस पूरे मामले को उनके नेटवर्क में ये तमाम चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह राजनेताओं से उनके ताल्लुकात सामने आए हैं, तो ये तमाम चीजें ऐसी जो को लेकर के पप्पू यादव साफ साफ बिहार सरकार पर और विपक्ष पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस गंभीर मामले पर विपक्ष क्यों मौन है, विपक्ष क्यों सवाल नहीं उठा रहा है, क्यों सरकार गुनाहगारों को बचाने में लगी हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं लेकर के जिनको पप्पू यादव साफ तौर पे सरकार की भूमिका पर लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि बिहार सरकार के ऊपर इसको लेकर के और दबाव बनाया जाए ताकि इस मामले में और खुलासा हो और जिन राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उन पे ठोस कार्रवाई हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सांसद पप्पू यादव ने पीसी की है और पैदल यात्रा करेंगे, पटना के शहीद स्मारक पर खत्म होगी। और हमारे साथ खुद पप्पू यादव सांसद जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पप्पू जी, साधना न्यूज बिहार झारखंड में। क्या लगता है पप्पू जी, 26 अगस्त से पैदल यात्रा करेंगे, कितना सफल रहेगा? और जो आप ये बात बोल रहे थे कि लोगों को बताएंगे, क्या लगता है पप्पू जी, अब भी लोगों को बताने की जरूरत है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो बिहार में हुआ है वो ना सिर्फ बिहार में, पूरे देश की जनता ने देखा है। जी ये आप लोग कब देखे ये तो मुझे नहीं पता जी।
मुझे यह बताना है लोगों को कि इन सभी पापों में, सभी कुकर्मों में भागीदार होते हैं ये नेता पदाधिकारी, ये अधिकारी, ये साझीदार भी हैं, भागीदार भी हैं, मददगार भी हैं। ये लोग, ये कितने मनीषा दयाल, ब्रजेश ठाकुर, मधु, परमिला, हर शहर में 10 मधु ठाकुर, परमिला, ब्रजेश और ऐसे लोग हैं जिसमें नेता डायरेक्ट इन्वॉल्व है सभी लगभग। अब हमें आप एक बात बताइए, कोई भी नेता मनीषा दयाल का नाम लेने से डर क्यों रहा है? उसके उसके डायरेक्टर कौन कौन है? उनको पैसे कितने मिले? मलेशिया में कितने नेता गए थे भोजपुरी अवार्ड में? सब बिहार की बाहर पैसा क्यों लगी? ये किस रूल के तहत लगा? कितने लोग जाके एंजॉय किए वहां? मंत्री संतरी कौन है? अभय सिन्हा, अजय सिन्हा, एक मंत्री का साला रहता है दिल बॉम्बे में, मधु क्या कहते हैं मॉडल कैसे बनी, और ऐसे ऐसे लोग ही, एक नहीं पूरा का पूरा शहर जीरो। आप देखिएगा कि पूरा पदाधिकारी, बड़े आईएएस और आईपीएस, ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, मिनिस्टर पप्पू जी, ऐसा नहीं लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में बिहार में, ये अच्छी बात है कि आप 26 अगस्त से जो यात्रा निकाल रहे हैं, शायद उसे कहीं ना कहीं जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं उन्हें ये पता चले, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो कुछ भी बिहार में हो रहा है ये किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदार हर वो जनप्रतिनिधि है जिसने कभी ना कभी बिहार में शासन किया है, क्योंकि बिहार आज भी ना जाने कितने साल पीछे चल रहा है। सब चीज चल रहा है, क्या कहते हैं, चुकी बालिकागिरी में बच्चियों के पीछे कोई हिंदू मुसलमान नाम नहीं है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, कोई जाट गुजर जिग्निवेश पत्तेदार अल्पेश नहीं है, जिन्ना नहीं है, लिंगायत बोगलिंगायत नहीं है, इसीलिए क्रांति नहीं हुआ जी, इसीलिए कोई जाट के ठेकेदार रोड पर नहीं निकले। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी इन तमाम जानकारियों के लिए और गोदाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जाप अध्यक्ष पप्पू यादव थे, जिनका ये कहना है कि अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं, और वो ये जानकारी हर लोगों तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से बिहार में इतना कुछ हो रहा है, और जरूरत है अब कि जनता के सामने सब कुछ आए। हालांकि उनका ये कहना है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो ना सिर्फ बिहार की जनता ने बल्कि पूरे देश की जनता ने देखा है।